गॉल स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन, ये भी एक बहुत बड़ा व्यापार है। लगता है अब स्टोन हो गया, अब तो कोई चारा नहीं है, अब तो आपको सर्जरी से उसको निकालना ही पड़ेगा। तो जिस तरह से साइकिल की चेन उतर गई, अब कोई चारा नहीं, क्योंकि साइकिल की चेन लगाते कैसे पता नहीं है, फिर आपको बता दिया आपको धक्का लगाना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से गॉल स्टोन हो या किडनी स्टोन हो, उसका फॉर्मूला इतना सिंपल है, 2 रुपए का, और क्योंकि वो पता नहीं है और उसको छुपा के रख दिया है, और जो भी हम जैसा आप जैसा बताना चाहता है तो उसको कट कर दो, राइट, यूट्यूब उड़ा दो, फेसबुक उड़ा दो, या बोल दो ये तो झूठ है, हो नहीं सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम क्या करते हैं अपने पेशेंट्स के लिए, व्हाट वी डू, डॉक्टर बीबी से, गोयल सर से हमने राय ली, और उसके बाद हमने उस राय को इम्प्लीमेंट किया, और हमारे तो सारे पेशेंट्स उसके बाद जो गॉल स्टोन वाले हैं, किडनी स्टोन वाले, उनसे हम पूछते रहते हैं, तो उसके बाद उनको पेन नहीं है। हम नहीं बोलते जाके देखो कितना साइज है, वी डोंट वॉन्ट दैट। पेन नहीं है इसका मतलब क्या है, या तो साइज छोटा हो चुका है या स्टोन गायब हो चुका है, राइट। तो उसके लिए ये है, आप देखिए कुल्थी का दाल, राइट, आके भी ले सकते हैं चाहे तो, थोड़ा सा जिनको चाहिए, जिनको नहीं समझ आ रहा ये क्या है, राइट, ये है कुल्थी का दाल। तो ये है गोल्ड स्टोन का जो इंडस्ट्री है वो इस पे बेस्ड है, इसको अगर सामने रख दो इंडस्ट्री आज ही फेल हो जाएगी। जो किडनी स्टोन, गोल्ड स्टोन के पीछे जो सर्जरी का जो व्यापार है वो खत्म हो सकता है, अगर ये जो मैं बता रहा हूँ ये आप सामने ले आओ तो। और वो ये कि जो पेशेंट है उसको, जैसा सर आपने बताया था कि जो पेशेंट है, आप 100 ग्राम कुल्थी का दाल लो और 2 ग्लास पानी डालो, उसको तब तक उबालो जब तक कि वो 1 ग्लास ना हो जाए, फिर छान लो वो पानी को, आधा पानी सुबह पीना है, आधा ही ग्लास, आधा ग्लास शाम को पीना है, सुबह वाला खाली पेट पी लो, प्लस DIP डाइट माइनस Plate 2। ये मुश्किल है कि हमें इतने रिस्ट्रिक्शन करके वाला खाना खाना पड़ेगा, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये तरीका है, रात दिन की आपका गॉल ब्लैडर निकाल ले, और किडनी स्टोन जितनी बार निकालेंगे उतनी बार स्टोन बनेगा, ये आपको पता ही है, यानी कि आप परमानेंट ग्राहक बन गए ना, और जितनी बार आपकी सर्जरी होती है आप ओरिजिनल तो है नहीं आप पास, राइट, जिस पैक फॉर्म में भगवान ने आपको भेजा था वो पैकिंग आपने खोलने की कोशिश की, वो भी एक ऐसे टेक्नीशियन से जो मैकेनिक ही नहीं है, राइट, एक टीवी आपका खराब हो गया, आपने बच्चे को दे दिया टीवी ठीक कर देखना, तो कैसे ठीक करेगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा ना। तो पैकिंग, यू आर पैक्ड, तो पैकिंग को खोलना नहीं है, कोई सर्जरी करने की जरूरत नहीं है, दिस इज प्लस DIP डाइट माइनस Plate 2। इफ यू कैन डू इट, इट टेक्स अबाउट 1 मंथ टाइम टू गेट ए रिलीफ फ्रॉम द पेन। अब पेन नहीं हो रहा मतलब वो पेन थ्रेशोल्ड से कम साइज हो गया, ये पक्का है, कितना कम हुआ, 1 mm, 2 mm, इतना फर्क पड़ गया। अब धीरे धीरे ओवर पीरियड ऑफ टाइम, 9 महीना, 10 महीना, 12 महीना, वो डिजॉल्व होते 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 अपने टाइम पे डिजॉल्व होगा, होने दो डिजॉल्व, हम कौन सा स्टोन को पकड़ के बैठे, हम तो अपना सारा काम कर रहे ना। तो इतनी छोटी सी बात है, इसके ये ना करके जो हम सर्जरी करते हैं, तो ये मत सोचिए कि वो किडनी स्टोन निकाल दिया मेरा, मैं छुट्टी पा गया, लेकिन स्टोन बन क्यों रहा है, वो जो कॉज है उस कॉज को तो रहा नहीं अपने, तो कुछ दिन बाद बाद स्टोन दोबारा बढ़ता ही रहेगा, आपको पता ही है, जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं, यानी कि आपका जो जिंदगी खत्म हो गई। ऐसा इंसान जिसके बॉडी में दर्द हो, जो जो बीमार हो, वो जिंदगी कैसे एंजॉय करेगा, राइट। तो ये जो चीज है ये पेटेंटेबल नहीं है, इसकी दिक्कत यह है कि इससे बिजनेस नहीं कर सकते, व्यापार नहीं कर सकते। अगर मैं बोलूं कि आज से कुल्थी का दाल मैं ही बेचूंगा, या ये फॉर्मूला देने का हक मुझे ही है, अगर ऐसा कोई नियम बन जाए तो सब लोग प्रमोट करेंगे, लेकिन ऐसा कोई नियम है नहीं, राइट। जिस चीज का व्यापार नहीं बन सकता, वो कितना भी मिराक्युलस क्यों ना हो, वो लोगों तक पहुंच नहीं सकता, यही आज का सच है, दिस इज द ट्रूथ।